चल रहा है, तो वहाँ भी अभी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंडरग्राउंड का काम कहाँ तक पहुँचा है। और इसका जो स्टार्टिंग सेक्शन जो है, यहीं पे आपका अंडरग्राउंड सेक्शन का काम चल रहा है अंदर में, मार्केटिंग। So, hello guys, welcome back with another video guys. कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का भी व्लॉग आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे। फिलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं सगुना मोड़ पर, और आज आपको देने वाले हैं सगुना मोड़ पे जो पटना मेट्रो का काम हो रहा है ना, उसका आज पूरा टोटली आपको अपडेट देने वाले हैं, कहाँ तक काम पहुंच गया और कहाँ कहाँ काम जो चल रहा है, कहाँ एलिवेटेड है और कहाँ अंडरग्राउंड रहेगा, वो सब चीज आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें फर्क पड़ता है। अगर इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फिर वो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू एज वेल अपने स्टाइल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं पीछे में यू ग्रिड जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, मतलब लगा दिया गया है यहाँ पे यू ग्रिड। और वहां पे भी आप देख रहे हैं यू ग्रिड को निकाल के रखा हुआ है, मतलब उसको भी लगाने का तैयारी है। हो सके तो उसको रात में लगाने का काम किया जाए, क्योंकि दिन में तो लगाना पॉसिबल है नहीं, तो उसको रात में लगाया जाएगा। और आगे भी गोला रोड पे ना अंडरग्राउंड का भी काम चल रहा है, तो वहां भी अभी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंडरग्राउंड का काम कहाँ तक पहुंचा है। और इसका जो स्टार्टिंग सेक्शन जो है तिखाना मोड़, वहां भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि काम कहाँ तक पहुंचा है। ये जो पटना मेट्रो जो जगनपुरा तक गया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हाथीखाना से ही है, तो अभी हम लोग वहां भी चलेंगे और उसको भी दिखाएंगे उसका काम कहां तक पहुंचा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, टोटल अपडेट आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। अच्छा, तो अभी हम लोग खड़े हैं गोला रोड वाले स्टेशन पे जहां पे अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। बाकी अंदर काफी तेजी से काम चल रहा है, अभी हम लोग देख कर आए। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, अगर मैं कैमरा पैन करने के लिए बोलूं तो आप उधर देखेंगे ना, उधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा एलिवेटेड, लेकिन वहीं से एलिवेटेड आएगा और यहीं से सीधा अंडरग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। पटना मेट्रो जो है यहीं से अपना जमीन के अंदर जो है निकलेगा। और अभी हम लोग चलेंगे सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पे, जी हाँ, हाथीखाना मोड़ पे भी हम लोग चलेंगे और वहां पे भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ काम पहुंच चुका है। इस दौरान आपको इस वीडियो में ना देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ बिल्डिंग का काम हो, कहाँ पियर कैप लगा दिया गया और कहाँ पिलर लगाया जा रहा है और कहाँ पिलर लग चुका है, सारा अपडेट मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट। आप वीडियो स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ना, जो पियर कैप और यू गीडर लगाने के बाद जो है ना मार्केटिंग जो है ना उसको मार्केटिंग जो है उसको हटा दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और बाकी इधर देखिए, इधर जो है ना पियर कैप और पिलर का काम चल रहा है, उधर जो पियर कैप कंप्लीट हो गया ना उस पर यू ग्रिड लगाने का भी काम किया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि काम जो है ना काफी रफ्तार से चल रहा है, तो हो सके तो हमें एक साल के अंदर में ना यहाँ पटना का जो सपना मोड़ है उस पर पटना मेट्रो जो है दौड़ता हुआ आपको मिलेगा। हाँ जी, तो अभी हम लोग आरपीएस मोड़ पे खड़े हैं और आरपीएस मोड़ का आप देख सकते हैं स्टेशन का जो काम है ना वो तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं रड जो है उसको तैयार कर दिया गया है शेप में, जो स्टेशन का जो शेप होता है उसको तैयार कर दिया गया है। आप जैसे वीडियो स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, तो आरपीएस मोड़ का ये स्टेशन तैयार हो गया। सतना मोड़ पे भी ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा है स्टेशन का, तो उसका कोई अभी अपडेट नहीं है। और मैं इस वीडियो के लास्ट में सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ स्टेशन होने वाला है, कहाँ कहाँ स्टॉपिंग है, सब चीज इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहिए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। सगुना मोड़ से हाथीखाना वाले सेक्शन में देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पिलरिंग का काम जो है शुरू कर दिया गया है, स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया है। हाँ जी, तो अभी हम लोग खड़े हैं पटना मेट्रो का हाथीखाना वाले सेक्शन पे, यहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना होने वाला है। यही रूट यहाँ से जो निकलेगा वो जगनपुरा तक जाएगा, वाया पटना जंक्शन होते हुए निकलेगा, तो यहीं से जो है ना अपना पटना मेट्रो जो स्टार्ट होगा, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब आप यहाँ से बैठिए और सीधा जगनपुरा होके जगनपुरा पहुंच जाइए बैठ के। तो यहाँ भी ये काम जो है काफी तेजी से चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं जो पिलर का स्ट्रक्चर होता है ना, पांच छह स्ट्रक्चर जो है बना के रेडी करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो लगता है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है, भैया से बात हुआ, भैया बताया कि जिस स्पीड से काम हो रहा है जो है 26 तक ये कंप्लीट हो जाने का अनुमान लगाया गया है।
आज तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें फर्क पड़ता है। भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको वहीं पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते रहेंगे सही ना और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक लेता था, बाय बाय, टेक केयर, हर हर हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।